तो ब्रह्मास्त्र के डिसेंट परफॉर्म करने के बाद भी हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड कर रहा है। कुछ लोग खुश हैं इस फिल्म की सक्सेस से और कुछ ना खुश। खैर काफी लोगों ने पॉइंट आउट किया है कि नेपोटिज्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं देखने वाले इनकी कोई भी फिल्म है। एंड आई वाज लाइक अबे ये दोनों तो काफी कैपेबल एक्टर्स हैं, काफी बढ़िया बढ़िया मूवीज दी इन्होंने हमें, फिर क्या इशू है? देन आई स्टार्टेड टू रियलाइज समथिंग। नेपोटिज्म इज ओनली एन इशू जब उनमें कोई रियल टैलेंट नहीं होता, कोई पॉजिटिव और एंटरटेनिंग आउटपुट नहीं मिलता और उसके बावजूद भी हर बार उन्हें मौके मिलते रहते हैं जो और बहुत सारे लोग डिजर्व करते हैं। सो आज का मुद्दा यही है। देखो यार, I personally don't have any issue with nepotism. ठीक है भाई, माँ बाप अपने बच्चों के लिए नहीं सोचेंगे तो किसके लिए सोचेंगे? कोई भी इंडस्ट्री को ले लो, हर जगह nepotism है। एक बिजनेसमैन अपने बच्चे को बिजनेस में घुसाएगा, एक नेता नेतागिरी में, एक किसान खेती में, एक गांडू गांडू बने में, एक क्रिकेटर क्रिकेट में। अगर बच्चा चाहता है तो ठीक है, दिस इज हाउ वी रोल गाइस। एंड इसी की वजह से बॉलीवुड में हमें काफी जबरदस्त टैलेंट जैसे रणवीर कपूर, विक्की कौशल, रामचरण, एनटीआर, रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, ऋतिक रोशन जैसे मिले हैं जिन्होंने एक्चुअली में अपने प्रिविलेज को सीरियसली समझा और अपने क्राफ्ट को और बेहतर करने की कोशिश की टाइम के साथ। और आज देखो दे आर एट टॉप ऑफ देयर गेम। स्टार किड्स को फर्स्ट मूवी तो मिल जाएगी बट वो रिलीज वाला फ्राइडे ही डिसाइड करेगा उनका फ्यूचर। इफ इट वर्क्स बढ़िया, अगर फ्लॉप तो फक देम। फिर भी नेपो किड्स को शायद सेकंड चांस मिल जाए। फिर तो एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। याद है जब रणवीर की डेब्यू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी एंड नोबडी थॉट ही वाज गोना मेक इट, बट उसके बाद रॉकेट सिंह आई, रॉकस्टार आई, उसकी ना जाने कितनी बेहतरीन मूवीज आई, एक्टिंग की करके दिखा दी उसने एंड ही वॉन आवर हार्ट्स। बट जानवी कपूर, अनन्या पांडे, सारा अली खान, अर्जुन कपूर, आहान सेट्टी एंड आतिया सेट्टी, सूरज बकिंग पांचोली एंड टाइगर बाम, इन्हें एक्टिंग छोड़ के सब करना है। क्रिंज शब्द को एक नया मीनिंग दिया है इन सब ने और फिर इनके ये स्टेटमेंट्स। आई थिंक हमने कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो गलती कर दी कि हमने साइलेंस रखा था, वो हमारी शराफत थी और उसका एक आई डोंट नो व्हाई नेपो किड्स प्लस दीस स्टेटमेंट्स जस्ट मेक मी शाउट। अपनी एक्टिंग सेक्टिंग पर ही ध्यान दो लो थोड़ा सा। और इसी सब की वजह से आया बॉयकॉट बॉलीवुड। ऑडियंस अब डेवलप हो रही है पर मूवी मेकर्स नहीं। इन्हें लग रहा है वही सेम 2010 वाले चूतिया है जो कुछ भी देख लेंगे, इन्हें तो बस मूवी में स्टार चाहिए। मुन्ना बड़ा हो गया। मुझे तो लगता है ये सारे नए जमाने के स्टार्स कुछ ज्यादा ही हवा में हैं। मुझे तो लगता है ये सारे नए जमाने के स्टार्स कुछ ज्यादा ही हवा में हैं। ये तो किसी से इंस्पायर भी नहीं हो रहे हैं। लाइक फरहान अख्तर, सन ऑफ जावेद अख्तर, बेस्ट नेपो किड ऑफ ऑल टाइम, एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, सिंगर, प्रोड्यूसर, क्या नहीं करता ये लड़का। इतना टैलेंट एक इंसान में, वो अकेला मूवी में सब कुछ कर लेता है। बट इनसे मूवी में एक भी चीज नहीं हो रही है और स्ट्रगल के नाम पर बस होठों से नाक तक की दूरी तय कर रहे हैं। जीभ छू रही है अंजू, क्या है मेरा सीक्रेट टैलेंट? स्ट्रगल इज रियल ब्रो। अगर इन्होंने अभी से ढंग की एक्टिंग करने पर ध्यान नहीं दिया तो इनका फ्यूचर मुझे दूर दूर तक ब्राइट नहीं दिख रहा है। और रही नेपोटिज्म की बात, दिस इज गोइंग टू स्टे। सुशांत सिंह राजपूत ने बड़ा सही जवाब दिया था इसके लिए कि नेपोटिज्म जब तक ठीक है, जब तक वो किसी के भी टैलेंट को ग्रो करने से ना रोक रहा हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा हो और टैलेंट की जीत हो रही हो, वही बेस्ट है। वैसे नया बेस्ट तैयार हो गया है। आर्यन खान, सुहाना खान, शनाया कपूर, आहान शेट्टी, इब्राहिम, खुशी कपूर, आई एम श्योर तुम लोग बहुत ही एक्साइटेड होगे। क्रिंज प्रो आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये नेपो किड्स तो आपको अच्छा कंटेंट दे नहीं पाएंगे बट मैं हूं ना, मैं करूंगा मेहनत। आप बस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टू डू नेपो किड्स, जिंदाबाद। स्टार बनना है, मैं भी हीरोइन बनूंगी, मैं भी खेलूंगी, मुझे भी स्टार बनना है पापा। मैं मेहनत करूंगी पापा, मैं बहुत मेहनत करूंगी। मॉम मम्मी ओ शाबाश बेटा, बढ़िया थॉट लाए हो। नहीं मैं भी मेहनत करूंगी पापा, मैं बनूंगी स्टार।
माँ मम्मी बेटा वो मिल जाएगी पर तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। पापा पापा मैंने मेहनत कर ली, आई हैव डन माय वर्क। बेटा थोड़ी सी और मेहनत कर लोगी तो मुझे अच्छा लगेगा मामा मिया। नहीं पापा बहुत है, मैं तो स्टार की दूना, सब मुझे ऐसे ही देखने आ जाएंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। एवरीबॉडी विल लाइक मी एंड लव मी। और अगर गलती से प्लान फेल हो गया तो मेरे पास एक और प्लान है। क्या बेटा? करण जौहर पापा, he loves Snappo Kids, he will cast me because I will show him my talent by touching my nose with my own tongue. Pita, he will love Mama me. Mamma mia, Pita, he doesn't fucks, he gets fucks. Mamma mia. मेरा जिगर तो पिता पिता बोला है मामा मिया।